हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते, भारत में वक्त है आपको भारत नेपाल सीमा पर अवैध रूप से इस्तेमाल हो रहे नेपाली सिम कार्ड के बारे में अपडेट करने का। क्या वजह है कि आजादी के 72 साल बाद भी सरहदी इलाकों में भारत अपने लोगों के लिए मोबाइल नेटवर्क्स नहीं पहुंचा पाया अब तक? ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हमारे रिपोर्टर मनोज वर्मा ने भारत पर आसमानी खतरे की नेपाली साजिश से पर्दा उठाया। ये वो इलाका है जहां भारत के आजाद होने की खबर भी 3 महीने बाद पहुंची। भारत स्वतंत्र हो गया 3 महीने पहले, उसके बाद लोगों को पता चला कि भारत आजाद हो गया। आजादी के 72 साल बाद भी यहां खबरें देरी से पहुंच रही हैं। वजह है मोबाइल नेटवर्क। ये धारचूला है भारत नेपाल सीमा पर बसा उत्तराखंड का आखिरी पड़ाव। कुछ किलोमीटर बाद यहां से नेपाल की सरहद शुरू हो जाती है। भारतीय सरहद खत्म होने से पहले इस क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क दम तोड़ देता है। हाथों में मोबाइल फोन और हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही है। ये इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। हाँ, अभी नेटवर्क का हाल ही में लगे थे एक खम्बे, ये खम्बे खड़े खड़े हैं। समस्या आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कि नेटवर्क है ही नहीं। मोबाइल नेटवर्क ना मिलने से मेडिकल सुविधा समय से नहीं पहुँच पाती। नेटवर्क अगर सही रहे तो मेडिकल सुविधा टाइम से पहुंच जाए, या जैसे एम्बुलेंस चलती है, हमारी 108 एम्बुलेंस चलती है, वो भी समय से नहीं पहुंच पाती। ऐसे में लोग अपने मोबाइल फोन में नेपाली सिम इस्तेमाल कर रहे हैं। नेपाली सिम का नेटवर्क भारतीय सीमा में 15 किलोमीटर दूर तक काम करता है। हाँ, आजादी के इतने वर्षों बाद भी यहाँ नेटवर्क का अभाव है। यहाँ किसी प्रकार का कोई नेटवर्क नहीं है। हमारे गाँव में तो 1500 की आबादी है, सारे नेपाली नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं क्योंकि BSNL टावर है नहीं ना। सरकार ने धारचूला के 49 गांवों में सैटेलाइट फोन की व्यवस्था की, लेकिन कॉल दर महंगी होने से उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। कॉल दरें ज्यादा है, 12 रुपए प्रति मिनट की दर से इनकमिंग और आउटगोइंग, ये समझ तीनों है। फिर भी इसमें जो है SDRF की तरफ से भारत सरकार से वार्ता की जा रही है, निकट भविष्य में ये और सस्ता होगा।